हेलो गुड मॉर्निंग पीपल्स, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, आज है संडे का दिन और सुबह के बज रहे हैं, अभी आप देख सकते हो, 6। आज हम फिर एक जा रहे हैं दोबारा राइड पे, और सेम स्क्वाड के साथ में, अमृत के साथ में, और कुछ नए दोस्त भी मिलेंगे आज। और इसमें ट्विस्ट की बात गाइस ये है कि आज हम एक बहुत ही प्यारी लोकेशन को कवर करने वाले हैं। मैंने उसके बारे में पढ़ा भी है, बस थोड़ा सा मैं इसमें सरप्राइज रखूँगा। और उसकी मैंने कुछ फ़ोटोज़ देखी हैं, बहुत ही प्यारी लोकेशन है, आज हम वहीं पे जाने वाले हैं। और यहाँ से कुछ है वो 57 किलोमीटर्स, तो हमें 1 सवा घंटा लगने वाला है। तो मीटिंग पॉइंट हमारा वही होने वाला है, एमबीएस मॉल का जो अंडर पास है उसके पास में, जहाँ हम लास्ट टाइम थे। तो चलिए दोस्तों, निकलते हैं अभी फटाफट और फिर मिलते हैं आपसे अपनी लोकेशन पे। तो स्टे ट्यून्ड, देखते रहिए वीडियो को। फाइनली हम लोग पहुंच गए अपनी लोकेशन पे, ये है आपका एमबीएस मॉल का जो अंडर पास है ये, और यहाँ पे अब हम करेंगे वेट बाकी राइडर्स का आने का। तो अमृत थोड़ा सा अपने भाई बंदों को मैसेज करता हुआ। दोस्त, हमारे दोस्त की बाइक हो गई पंचर यहाँ। सो गाइज, फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पे, और आप लोकेशन मेरे पीछे देख ही सकते होंगे, इस लोकेशन के बारे में ही मैं बात कर रहा था। यहाँ पे मतलब आने में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई वैसे हमें, क्योंकि रास्ता हम लोग थोड़ा सा भटक गए थे, बट और रास्ता यहाँ पे आने का ना बहुत थोड़ा ख़राब सा है, अंदर कीचड़ वगैरह भी है, थोड़ा ऑफ रोडिंग भी है। बट अगर आप फाइनली इस लोकेशन पे आओगे तो बहुत ही प्यारी लोकेशन आप देख सकते हो। हम थोड़ा सा लेट हो गए आने में, अगर यहाँ पे अगर सुबह के टाइम आए एटलीस्ट कम से कम 6 साढ़े 6 बजे तो फ़ायदा है यहाँ पे आने का। वैसे धूप निकल चुकी है यहाँ पे, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे व्यू दिखाता हूँ आपको यहाँ पे। सामने मेरे आप देख सकते हो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, थार वगैरह बाइक वगैरह लेके आ रखे हैं यहाँ पे, मतलब कि बहुत मज़े कर रहे हैं, स्टंट कर रहे हैं यहाँ पे। और नाम है आपका पानीकोट, ये कहते हैं पानीकोट लेक कह सकते हैं इसे हम लोग। और इसके उस तरफ दूसरी तरफ झरना भी है कोई, उस झरने के बारे में हमें पता नहीं, हमें गांव वालों ने ही बताया कि झरना भी है इस तरफ, बट हमें झरना कोई दिख नहीं रहा ये। और यहाँ की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर ना कोई रोक टोक नहीं है आपको आने के लिए, आप कभी भी आ सकते हो। और जैसे होता है ना कि ऐसी, जैसे ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी लग रही है, तो गवर्नमेंट का यहाँ पे कोई भी मतलब आपका बोर्ड नहीं है, कोई पुलिस वाला नहीं है रोकने के लिए आपको, आप यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हो। और ये जो आपका बल्लभगढ़ सोना रोड वाला हाईवे होता है, आप उसी पे आ सकते हो, और उसी पे आपका 7.5-8 किलोमीटर आगे जाने के बाद एक लेफ्ट टर्न आएगा आपका, उसी से लेफ्ट टर्न लेके गाँव के अंदर अंदर से रास्ता निकल रहा है, वहीं से आप आ सकते हो। मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पर लोकेशन में, पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आने पर यहाँ पर। बस गाइज, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि अगर आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे खाने के स्टॉल्स या फिर मतलब खाने का कोई मतलब ढाबा वगैरह कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अगर आप आ रहे हैं तो अपना कैरी करके लेके आएँ साथ में पानी वगैरह, जो भी है पानी हो गया, आपका खाने का सामान हो गया, वो सब आप अपना खुद का कैरी करके लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, सिर्फ ओनली यहाँ पर कार्स हैं और बाइक्स हैं यहाँ पर। सो गाइज़, मुझे तो बहुत अच्छी लगी ये जगह, और अब मैं थोड़ा यहाँ पर इन्जॉय करूँगा, सोच रहा हूँ थोड़ा सा नहा भी लूँ, बट पानी पता नहीं कैसा होगा, कितना गहरा है ये भी नहीं पता है। यहाँ पे अगर आप बाइक लेके आओगे ना तो ही सही है, क्योंकि गाड़ी के लिए ना यहाँ पे ऑफ रोडिंग बिल्कुल बेकार है। अभी मैंने यहाँ पे कुछ देखी, थार यहाँ पे चढ़ रही थी ऊपर, उनके नीचे टंकियों में ऐसी ऐसी आवाज़ें आई है ना, एक की तो नंबर प्लेट ही उखड़ गई, और पता नहीं क्या उसका पीछे का मतलब मरगाड़ वगैरह भी उखड़ गया। तो अगर आपको आना हो तो आप सिर्फ बाइक से आना, तो फोटो शूट कर रहे हैं, और भाई अपने साथ में अपना कैमरा लेके आए हैं, उससे ही हम लोग फोटो शूट कर रहे हैं। तो अभी आपके कुछ शॉट डाल रहा हूँ, बहुत खूबसूरत खूबसूरत से, जाके एक बार चेक कर लो। तो गाइज, फाइनली हमारी ट्रिप यहाँ पे एंड हो चुकी है, और जितना एक्सप्लोर करना था इस जगह को हमने कर लिया है। अब देख सकते हो मैं ना थोड़ा भीग भी गया हूँ स्लो मोशन वीडियो बनाने के चक्कर में, थोड़ा पैर वैर देख सकते हो मेरे ये पूरे गीले हो रखे हैं। गाइज, अगर आप लोग पानीकोट में आ रहे हैं तो इसके रास्ते से वाकिफ हो जाए, क्योंकि बाइक के आला देख ही सकते हो कितनी बुरी हो रखी है, और ये बाइकर भाई हमारा रोता हुआ यहाँ पे बाइक को, ये देख सकते हो यहाँ पे मड में, अभी तो जूते भी पूरे मड में हो गए थे, हमारे जूते वगैरह सब मतलब गंदे हो गए थे, तो साफ करवाए, बाइक की तो हालत आपने देख ही लिया है। थैंक यू अरबाज, थैंक यू कर दो, हैंडशेक कर दो, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट टाइम आएंगे अब, ठीक है। ये
बाय 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 बाय।